नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाल विकिराज और आप देख रहे हैं ईजीएफ कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आज का जो लेशन होने वाला है वो कॉन्सोलिडेट डाटा पे होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम आज के लेशन में जो करने वाले हैं कि अलग अलग वर्कशीट डेटा को एक शीट में संगठित कैसे करेंगे, आज के लेशन में बेसिकली यही होने वाला है। दोस्तों, डाटा को संगठित करने के लिए सब टोटल भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। सब टोटल के बारे में मैंने लेशन बनाया हुआ है, अगर आपने वो लेशन को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सब टोटल भी सीख सकते हैं। दोस्तों, सब टोटल के तरह कंसोलिडेट भी एक एक्सेल का ही एक फंक्शन है, जिसमें हम बहुत ही आसानी से अलग अलग शीट के डेटा को एक ही शीट में मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, सब टोटल में ये ऑप्शन था कि एक ही शीट के डाटा को एक साथ मर्ज करना होता है, बट कंसोलिडेट में ये थोड़ा सा उसका हाई लेवल का वर्सन है कि मतलब कंसोलिडेट में अलग अलग शीट में जो डाटा है उसको एक साथ हम डिफरेंट शीट में उसको मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के लेसन में सीख लेते हैं कि आखिर एक्सेल में हम कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए पहले से एक चार्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्मिनल का मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आप मान लीजिए कि ये किसी स्कूल का या किसी कोचिंग के फर्स्ट टर्मिनल का मार्क्स है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं और टोटल भी किया हुआ है। मैंने इसको शीट टू में भी इसी तरह से बनाया हुआ है, बट यहाँ पे मार्क्स कुछ डिफरेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड टर्मिनल मार्क्स। अगर मैं शीट थर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ भी पहले से मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ भी मार्क्स जो है वो डिफरेंट है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड टर्मिनल मार्क्स। यानी कि समझ में ये आया कि मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है वो पार्टिकुलर जो स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट नेम आप एक बार देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए। मैंने जितने स्टूडेंट के नाम फर्स्ट टर्मिनल वाले शीट पे लिखे हुए, सेकेंड शीट और थर्ड शीट में भी मैंने सेम स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये कोई किसी पार्टिकुलर क्लास या पार्टिकुलर स्कूल या फिर किसी कोचिंग का ये रिजल्ट है। तो चलिए हम इसी पे आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ जो शीट वन में जो भी आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो भी डाटा आपको शो कर रहा है, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे सोशल साइंस है, इंग्लिश है, आईटी है और यहाँ पे एक जगह पे टोटल किया हुआ है। दोस्तों, टोटल के लिए आपको तो पता ही होगा मैंने यहाँ पे सम फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि ये टोटल ऊपर से नीचे तक ड्रैग है, यानी कि ये सभी कैलकुलेट किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल का जो मार्क्स है और शीट टू का जो टोटल मार्क्स है और शीट थर्ड का जो टोटल मार्क्स है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि जो मार्क्स है वो सेम नहीं है, मार्क्स डिफरेंट है, यानी कि तीनों ही एग्जाम में स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग मार्क्स लाए गए हैं, सभी सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स मिले हुए हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे टोटल किया हुआ है। अब यहाँ पे जो डाटा है वो मेरा तीन शीट में है, शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री। अब हमें क्या करना है, कॉन्सोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और कॉन्सोलिडेट का मतलब ही होता है डाटा को संगठित करना, यानी कि अगर हम एक शीट नया शीट ले, यानी कि हम इसे कहें तो फाइनल शीट, अगर हम एक किसी फाइनल शीट में चाहे अगर यह हम चाहें कि सभी डाटा को हम एक साथ मर्ज कर दें, तो हम उसको मर्ज कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर हम कॉन्सोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल करके डाटा को मर्ज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कॉन्सोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम शीट के यहाँ पे, चलिए आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, बेसिकली आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहीं पे आपका रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में यहाँ पे डाटा कर्सर को क्लिक कर देते हैं, स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़े थोड़ा दिखाई देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें जाना है डाटा टैब में, सिंपली डाटा टैब में क्लिक करना है और डाटा टैब में डाटा टूल्स ग्रुप होता है और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कॉन्सोलिडेट। तो यहाँ पे हमें कॉन्सोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही कॉन्सोलिडेट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, एक छोटा सा मेनू खुल के बाहर आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं छोटा विंडो है। अब यहाँ पे जो फंक्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम मिनिमम है, बहुत सारे है ऑप्शन।
लेकिन हमें क्या करना है, डाटा को संगठित करना है, और संगठन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली सम फंक्शन का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सम का मतलब ही होता है डाटा को जोड़ना यानी संगठित करना। तो यहाँ पर सम रहने देंगे और हम क्लिक करेंगे रिफरेंस पे, और रिफरेंस पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है शीट 1 में। अब हम जैसे ही शीट 1 में आए, शीट 1 का जो डेटा है आपको पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे A1 से लेकर के G10 तक का जो डाटा है ये G वाला कॉलम है, और ये डाटा जो है वो 10 रो में लास्ट है, यानी कि A1 से लेकर के G10 तक मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस डाटा को हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस जो विंडो जो मेरा सामने ओपन हुआ है इस विंडो पे हम इसको ऐड कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐड हो चुका है। अब हमें दोस्तों वापस से क्लिक करना है यहाँ पे शीट 2 में। आप यहाँ देख सकते हैं मैं माउस को यहाँ पे गोल गोल मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 2 लिखा हुआ है। शीट 2 में क्लिक कर देना है बेसिकली आपको, और शीट 2 में क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ऐड कर देना है, आपको वापस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आपको दिखाई देगा। बस आपको यहाँ पे चुपचाप से ऐड कर देना है। अब आप शीट 3 में आप देखेंगे शीट 3, तो शीट 3 में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर भी ये जो कर्सर है सिलेक्ट ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको फिर से सिलेक्ट करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बस आप सिंपल सा यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ आप देख सकते हैं शीट 1 से शीट 10, शीट 2 में भी 1 to G10, और शीट 3 में भी A1 to G10 तक यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब नीचे देखना है। नीचे पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है यूज लेबल इन। दोस्तों सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इसके बारे में समझ लेते हैं। टॉप रो का मतलब है कि क्या आप टॉप रो को रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही आपका जो टॉप रो था, टॉप रो में यानी कि आप यहाँ पे टॉप रो का कहने का मतलब है कि जो पहला जो नाम लिखा हुआ था स्टूडेंट का नेम था सब्जेक्ट नेम था वो हो गया आपका टॉप रो, और कॉलम में जो स्टूडेंट के नेम लिखे हुए थे लेफ्ट हैंड साइड तरफ वो उस कॉलम का बात कर रहे हैं, यानी कि जो रो था हेडिंग वाला रो और नेम वाला कॉलम, ये दोनों आपको जो फाइनल जो आउटपुट जो रिजल्ट आने वाला है उस पे क्या आपको रखना है। अगर रखना है तो आपको इस दोनों में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसके बाद वाले ऑप्शन पे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे टिक अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना टिक के अभी ओके करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आउटपुट आएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद किस तरह का आउटपुट रिजल्ट सामने आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे टिक किया हुआ है, और अब हम सिंपली सा ओके कर देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे ही ओके किया आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट है आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम तो लेफ्ट साइड में आया हुआ है कॉलम में, और जो टॉप रो था टॉप रो भी बिल्कुल आया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ नेम वाला जो बॉक्स था वो शो नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं शो किया तो हम वहाँ लिख सकते हैं बाद में भी। हाँ, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ जो डाटा था आपका यानी कि शीट 1 का जो मार्क्स था स्टूडेंट वाइज का बात करेंगे तो पर सब्जेक्ट में सभी के मार्क्स अलग अलग इसके दिए हुए हैं, और टोटल भी यहाँ पे अलग अलग है। शीट 2 में भी बिल्कुल वैसे ही है, और शीट 3 में भी बिल्कुल वही है। तो हम अगर शीट 1 का यहाँ पर अगर मैथ का मान के चलते हैं किसी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का, तो मैथ में फर्स्ट टर्मिनल के इसके 40 है, सेकंड टर्मिनल में 50 है, यानी 40 और 50 कितने हुए 90, और शीट अगर 3 में जाते हैं तो 90 और 80 170 हुए टोटल। अब हम फाइनल शीट में एक बार डाटा को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे 170 है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल 170 है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हम अलग अलग वर्कशीट के डेटा को किसी भी वर्कशीट में चाहें तो एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वो जो थर्ड ऑप्शन जो हमने छोड़ा हुआ था उस ऑप्शन का क्या क्या यूज है, हम उसका भी यूज करके एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों उसका यूज करने के लिए हम एक नया शीट बना लेते हैं, और इस शीट का हम चलिए इसका हम रीनेम कर देते हैं रिजल्ट। मैंने रिजल्ट नाम से एक नया शीट बना दिया है। अब इस शीट पे मैं यहाँ पर भी फर्स्ट रो में क्लिक करके और वापस से डेटा टैब में जाता हूँ, और डेटा टैब में जाने के बाद मैं वापस से कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और फिर से मैं वही प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में ये आ जाए बढ़िया से। तो चलिए यहाँ पर वापस से सम रहने देते हैं। हम वापस से रिफ्रेंस में क्लिक करते हैं, और शीट 1 में जा करके पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे।
फिर से शीट टू में जाना है और इसको सिर्फ सिंपली ऐड कर देना है, ये सिलेक्ट करने का आवश्यकता नहीं होता। शीट थर्ड में भी जा करके हम इसको ऐड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ टॉप रो लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। दोस्तों क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा में मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और देखता हूँ किस तरह का आउटपुट सामने पे आएगा। तो दोस्तों मेरा आउटपुट आ चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पेज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा रिजल्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट के नेम सही बिल्कुल करेक्ट है, सब्जेक्ट भी करेक्ट है, और जो फर्स्ट मैंने इससे पहले जो सीट बनाया था इसमें जो रिजल्ट है और यहाँ का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर शीट वन में अगर हम डेटा में किसी भी तरह का चेंजिंग कर देते हैं, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसको 100 पे 100 मार्क्स दिया हुआ है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 मार्क्स दिया और वापस से अगर मैं रिजल्ट वाले सीट पे जाके देखता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से रिजल्ट जो है वो बाद में भी ले लिया। अगर हम बाद में भी डाटा अगर इंक्रीज करें तो जो मेरा फाइनल आउटपुट डेटा होगा वहाँ भी इंक्रीजमेंट होगा। अगर हम वापस से फाइनल सीट पे जाके देखें तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से शीट टू वाले डाटा पे मैं इसको चेंजिंग करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट मान के चलिए मैंने यहाँ 10 किया 10 10 और यहाँ भी मैंने 10 किया, यहाँ पर डेटा आया टोटल 50। अब आप यहाँ देख सकते हो जो फाइनल में है, फाइनल में किसी भी तरह का कोई बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ 835 ही है। लेकिन अगर आप अभी जो मैंने रिजल्ट वाले सीट पे जो ऑप्शन पे टिक किया उस ऑप्शन के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर बीच यहाँ बिल्कुल बदलाव हुआ है, यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग उसमें चेंजिंग करने के लिए लाते हैं कि अगर हम किसी भी सीट में बाद में भी अगर किसी भी तरह का बदलाव करें तो वो फाइनल जो मेरा आउटपुट जहाँ डेटा है वहाँ पर भी वो इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था पोस्टडेट के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश किया कि मैं कंसोलिडेट यानी कि डाटा संगठित करने पे एक लेसन बनाऊं और मैं अच्छे से आपको उस टॉपिक के बारे में समझा पाऊं और प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊं, ताकि आप भी अगर किसी को इस टॉपिक के बारे में अगर पढ़ाएं तो आप उसको इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझा पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।